Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 7 क्रिया करना या होना, पाठ 10 शब्द भंडार और पाठ 11 मुहावरे का दोहरान करेंगे. तो सबसे पहले हम दोहरान करेंगे बच्चों पाठ 7 क्रिया करना या होना का. उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 31 पर आएंगे, वहां आपको मिलेगा पाठ 7 क्रिया करना या होना. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है काम, अर्थात जो भी काम हम करते हैं या जो कार्य होता है या काम होता है वो क्रिया कहलाता है. इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों, जो आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 32 पर दी हुई है. जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं. तो जो शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया शब्द कहलाएंगे. यहां कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे राम पढ़ता है, रमा गाना गाती है. गाय घास चरती है. तो बच्चों यहां हम देखेंगे कि राम रमा और गाय ये तीनों क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं, और ये तीनों ही कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं. जैसे कि राम क्या कार्य कर रहा है, वो पढ़ता है, वो पढ़ने का कार्य करता है. रमा क्या कार्य करती है, गाती है, अर्थात वो गाना गाने का काम करती है, गाना. और गाय क्या कर रही है, यहाँ पर घास चरती है, तो वो चरने का काम कर रही है. तो हमने देखा कि तीनों ही कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं. तो जो यहाँ पर कार्य हो रहा है वो क्रिया शब्द है. जैसे पहले वाक्य में क्रिया शब्द है पढ़ता है, दूसरे में है गाती है, और तीसरे वाक्य में चलती है. तो ये हुए क्रिया शब्द. इसके अलावा जो भी कार्य हम करते हैं, उठना बैठना सोना चलना दौड़ना खाना पीना, ये सभी क्या कहलाते हैं बच्चों, क्रिया शब्द कहलाते हैं. अब हम यहाँ एक और चीज देखेंगे बच्चों कि क्रिया शब्द में जब लिंग बदलता है तो क्रिया शब्द भी बदल जाता है, उसका रूप बदलता है. कैसे बदलता है, लिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. जैसे कि हम देखते हैं अमन खाना खाता है, और इसी क्रिया शब्द से हम दूसरा वाक्य लिखते हैं रीना खाना खाती है. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बच्चों कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द कौन सा है. क्रिया शब्द है खाता और दूसरे वाले में खाती. अब हम यहां देखते हैं बच्चों अमन. अमन क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं. तो अमन एक लड़का है तो वो हो गया पुल्लिंग. और पुल्लिंग शब्द में हमारे साथ आ रही है क्रिया खाता, यहां पर ता लगा हुआ है. रीना क्या है, स्त्रीलिंग है क्योंकि वो लड़की है. तो स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का शब्द कैसे बदला, पुल्लिंग में खाता था और स्त्रीलिंग में क्या हुआ, खाती. तो यहां पर आ की मात्रा की जगह पर क्या आ गया, ई की मात्रा आ गई. तो हमने देखा कि क्रिया का रूप बदल गया, पुल्लिंग के साथ खाता और स्त्रीलिंग के साथ खाती आ गया. तो इस प्रकार जब भी किसी क्रिया वाक्य में हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बदलते हैं तो उनके साथ साथ उन क्रिया का रूप भी बदल जाता है.
अब हम देखेंगे बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 32 पर आएंगे, वहां आपको मिलेगा प्रश्न 1, पढ़िए और सही मिलान कीजिए। तो यहां आपको दिया हुआ है कुछ शब्द और उनके साथ क्रिया शब्द भी दिए हुए हैं, आपको उनको ठीक से मिलान करना है। सबसे पहले दिया है बच्चे, तो दूसरी तरफ आपको कई सारी क्रियाएं दे रखी हैं, तो उनमें से हम बच्चे के साथ लिखेंगे खेल रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं। यहां पर हमें यह भी देखना होगा बच्चों कि संज्ञा शब्द जो है या सर्वनाम शब्द जो है वो एकवचन है या बहुवचन है, क्योंकि एकवचन और बहुवचन होने पर भी क्रिया का रूप बदलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं बहुवचन है, इसीलिए हमने यहां पर क्या लगाया है, बिंदी लगाई है। दूसरा शब्द है बिजली। बिजली क्या करती है? चमकती है। तो यहां पर हमें दे रखा है बिजली, जिसका मिलान हमने किया है चमक रही है, तो वाक्य बन गया चमक रही है। अगला शब्द है कुम्हार। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो यहां पर हमें क्रिया शब्द दे रखा था घड़ा बना रहा है, तो कुम्हार का मिलान हमने किया घड़ा बना रहा है। और अंतिम शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका क्या करती हैं? पढ़ाती हैं, तो हमने उसका मिलान किया पढ़ा रही हैं। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तो ये हुआ प्रश्न 1। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न 2, जो पृष्ठ संख्या 33 पर है। चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखिए। तो यहां हम देखेंगे बच्चों कि कुछ चित्र दिए हुए हैं, वो चित्र किस क्रिया शब्द से जुड़े हैं या उस चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है, ये आपको बताना है। जैसे पहला चित्र दे रखा है, इसमें एक बच्चा सो रहा है, तो यहां पर क्रिया क्या हो रही है? सोना। तो लिखेंगे हम सोना। दूसरे चित्र में दो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो क्रिया शब्द क्या हुआ? दौड़ना। तीसरा चित्र जिसमें पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्रिया शब्द क्या हुआ? उड़ना। चौथे चित्र में एक व्यक्ति लिख रहा है, तो क्रिया शब्द हुआ लिखना। पांचवा शब्द नदी बह रही है, तो क्रिया शब्द हुआ बहना। और अंतिम शब्द, अंतिम चित्र में एक लड़की नृत्य कर रही है, नाच रही है, तो क्रिया शब्द होगा नाचना। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न 3, जो पृष्ठ संख्या 33 पर ही है। क्रिया शब्दों के नीचे रेखा लगाकर शब्द सामने लिखिए। यहां आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें आपको क्रिया शब्द बताना है कि कौन सा है, उसके नीचे आपको एक रेखा खींचनी है और उसके सामने दी हुई जगह पर आपको वो क्रिया शब्द बताना है। तो यहां हम देखते हैं बच्चों, पहला वाक्य दिया है गाय घास चरती है, तो क्रिया शब्द क्या है यहां पर? चरती। तो हम चरती के नीचे रेखा खींचेंगे और सामने दी हुई जगह में हम लिखेंगे चरती और कोष्ठक में लिखेंगे चरना, क्योंकि चरती जो है वो चरना क्रिया शब्द का बदला हुआ रूप है। उसी प्रकार हम यहां देख सकते हैं वाक्य ग,
माता जी खीर बना रही हैं। तो यहां पर क्रिया शब्द क्या है, बना रही। तो हम यहां पर बना रही पर को रेखांकित करेंगे अर्थात रेखा खींचेंगे और उसके सामने दी हुई जगह में हम लिखेंगे बना रही और कोष्ठक में लिखेंगे बनाना, क्योंकि क्रिया शब्द कौन सा है यहां पर, बनाना। तो ये हुआ बच्चों प्रश्न 3। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न भी कर सकते हैं। अब हम आएंगे बच्चों प्रश्न 4 पर, जो पृष्ठ संख्या 33 पर ही है। यहाँ है कोष्ठक में दी गई क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई वाक्य दिया हुआ है, वो वाक्य पूर्ण नहीं है, अधूरा है। उसे पूर्ण करने के लिए आपको कोष्ठक में क्रिया शब्द दिया है, तो जो क्रिया शब्द दिया है उसका सही रूप बदलकर आपको उस रिक्त स्थान में लिखना है और वाक्य को पूर्ण करना है। तो पहला वाक्य देखते हैं बच्चों, मछली पानी में रिक्त स्थान और कोष्ठक में आपको दिया है तैरना। तो क्रिया क्या है यहां पर, तैरना। तो यहां पर हम वाक्य पूर्ण करेंगे, तैरना का बदला हुआ रूप लिखेंगे हम यहां पर, मछली पानी में तैरती है। तो रिक्त स्थान में आएगा तैरती है। ख वाक्य देखते हैं बच्चों, माली पानी से पौधा रिक्त स्थान और हमें क्रिया शब्द दिया है सींचना। तो यहां पर सींचना का सही रूप आएगा सींचता है। तो इस प्रकार हम बाकी के वाक्य में भी क्रिया शब्द को बदलकर सही रूप रिक्त स्थानों में लिखेंगे। तो ये हुआ पाठ 7, क्रिया करना या होना, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम पाठ 10 शब्द भंडार का दोहरान करेंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 39 पर आएंगे, वहाँ आपको मिलेगा पाठ 10 शब्द भंडार। शब्द भंडार में आपको कई सारी चीज़ें दी हुई है बच्चों, लेकिन हमें सबसे पहले दोहरान करना है पर्यायवाची शब्द का। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 40 पर आएंगे। पर्याय का अर्थ होता है बच्चों समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ हम वो शब्द पढ़ने वाले हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। तो बच्चों ये हम टर्म 1 में भी पढ़ चुके हैं। पृष्ठ संख्या 40 पर जो शब्द दिए हैं गायक से लेकर गज तक, वो हमने टर्म 1 में पढ़े थे। अब हम टर्म 2 में पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 41 पर दिए हुए शब्द, जो कि आँख से लेकर घर तक है, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, नेत्र और चक्षु, और उसके बाद शब्द दे रखा है आपको बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं मेघ और घन। हम और देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि मानव, मानव के पर्यायवाची शब्द होते हैं मनुष्य और आदमी। एक शब्द हम देख सकते हैं बच्चों जो कि बहुत ही आसान है, जो हम बोलते रहते हैं, कई बार प्रयोग में लाते हैं, सूर्य। हम सभी जानते हैं सूर्य, सूर्य को हम कहते हैं सूरज। और इसके अलावा हम सूर्य को भानु भी कहते हैं। शब्द है पवन। पवन भी हम जानते हैं बच्चों, कई बार हम प्रयोग में लाते हैं पवन। पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं हवा, हवा को ही हम पवन कहते हैं, और अनिल।
अनिल और हवा जो हैं पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। और घर, घर हम सभी जानते हैं बच्चों, घर को हम कहते हैं आलय और गृह। तो ये हुए बच्चों पर्यायवाची शब्द। अब हम पाठ 10 में ही अनेकार्थक शब्दों का दोहरान करेंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 50 पर आएंगे, वहां आपको दे रखे हैं अनेकार्थक शब्द। तो जैसे कि हम नाम से ही पता कर सकते हैं बच्चों, अनेकार्थक, अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक, और अर्थ जो हम जानते ही हैं, तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ कई सारे होते हैं, एक से अधिक होते हैं। अनेकार्थक शब्द, जैसे कि हम यहां उदाहरण देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, जग, हम देख सकते हैं यहां पर वाक्य दिए हुए हैं हमें दो, जैसे कि यह जग पानी से भरा है। तो यहां जग का अर्थ क्या है? पानी भरने वाला जग। और दूसरा वाक्य हमें दिया है, सारे जग में शांति हो। यहां जग का अर्थ होता है संसार, जहां जिस संसार में हम रहते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? जग कहते हैं। तो एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया पानी भरने वाला जग, या पानी का बर्तन जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरा अर्थ क्या हो गया? संसार। इसी प्रकार एक और आपको दे रखा है यहां पर बच्चों, हार। हार के भी यहां दो अर्थ निकलते हैं बच्चों, जैसे कि एक आपको दे रखा है, फूलों का यह हार बहुत सुंदर है, जो हम गले में पहनते हैं। तो यहां पर हार का मतलब क्या हो सकता है? माला, जिसे हम गले में पहनते हैं। और दूसरा यहाँ आपको दे रखा है वाक्य, मंजू पहलवान कुश्ती में हार गया। यहाँ हार का अर्थ क्या हो गया? हारना। तो यहाँ भी हमने देखा कि शब्द एक ही है, लेकिन अलग अलग वाक्य में उसके अर्थ अलग अलग हैं। एक अर्थ होता है माला और एक अर्थ होता है हारना। तो यहाँ हम परिभाषा देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ शब्द एक ही है परंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं, वही क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द। इसके अलावा आपको कुछ और भी उदाहरण दे रखे हैं, जो पृष्ठ संख्या 51 पर आप देखेंगे। पृष्ठ संख्या 51 पर कुछ अनेकार्थक शब्द आपको दिए हुए हैं, उनमें से हम कुछ यहाँ देखते हैं बच्चों। जैसे आपको चित्र में दिया हुआ है पत्र, पत्र, पत्र के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है उसे भी हम पत्र कहते हैं, और एक अर्थ होता है इसका खत, या जो हम चिट्ठी लिखते हैं चिट्ठी को भी हम पत्र ही कहते हैं। तो पत्र के दो अर्थ हो गए, एक जगह होता है पत्ता अर्थात पेड़ का जो पत्ता होता है, और दूसरा अर्थ होता है खत या चिट्ठी। इसी प्रकार फल, फल का एक अर्थ तो फल ही होता है बच्चों, जिसे हम खाते हैं पेड़ पर लगते हैं खाने वाले फल, और दूसरा अर्थ होता है परिणाम, या जिसे हम नतीजा भी कह सकते हैं। परीक्षा हम देते हैं बच्चों, और परीक्षा देने के बाद हमें क्या मिलता है? परिणाम मिलता है, तो उसे हम फल भी कहते हैं। तो यहाँ भी फल के दो अर्थ हो गए हैं, जैसे एक खाने वाला फल और दूसरा अर्थ है परिणाम। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर कुछ और शब्द भी दिए हैं, जैसे कि पर, पर को हम पंख भी कहते हैं जो पक्षियों के लगे होते हैं। इसके अलावा पर का अर्थ होता है परंतु। उसी प्रकार कर, कर का एक अर्थ होता है हाथ, हमारा हाथ, और कर अर्थात करना, जो एक क्रिया भी होती है। मगर, मगर
मगरमच्छ जो पानी में रहता है हमने देखा है, और उसका दूसरा अर्थ होता है परंतु। तो ये हो गए उदाहरण। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 51 पर ही है पहला प्रश्न। प्रश्न एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सही अर्थ पर गोला लगाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, कुछ शब्द दिए हैं। उत्तर एक क, कर शब्द है कर, और आपको उसके तीन अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है हाथ, दूसरा है साथ, और तीसरा है बात। तो सही अर्थ क्या होता है कर का? हाथ। तो यहाँ पर आएगा हाथ, और हाथ पर हम गोला लगाएंगे। इसी प्रकार ख शब्द है हमारा मगर, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था। अर्थ दे रखे हैं कभी, परंतु और तब। तो सही अर्थ क्या होता है? परंतु। तो हम यहाँ परंतु पर गोला लगाएंगे। इस प्रकार अंतिम भी आप कर सकते हैं, फल जिसका मैंने अभी बताया था, परिणाम, काम और वस्तु। तो सही अर्थ है परिणाम, तो यहाँ हम परिणाम पर गोला लगाएंगे। अब हम प्रश्न दो देखेंगे बच्चों, जो प्रश्न संख्या 52 पर है। चित्र देखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ आपको कुछ चित्र दिए हैं और उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। शब्द दे रखा है आपको पहला पत्र, क्या शब्द दिया है? पत्र। और चित्र भी दो दे रखे हैं, एक पेड़ का पत्ता है और एक दूसरा खत या चिट्ठी जो हम लिखते हैं। तो पत्र से हम वाक्य बना सकते हैं। पहला वाक्य बनाएंगे हम पत्र अर्थात पत्ता, तो जो कि आपको यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है, यह पत्र या जिसे हम पत्ता भी कहते हैं, पेड़ का पत्ता हरा है। हमें पता है कि पेड़ के पत्ते को कैसे होते हैं, हरे होते हैं। तो हमने एक वाक्य बना दिया जहाँ पर पत्र का अर्थ निकल रहा है पत्ता। दूसरा वाक्य बनाएंगे हम एक और, कल पिताजी ने पत्र लिखा। अब यहाँ पर पत्र का अर्थ चिट्ठी या खत से है, जो कि आपको चित्र में भी दे रखा है। तो पत्र शब्द से हमने दो अलग अलग वाक्य बनाए जिसमें उस शब्द के अलग अलग अर्थ दिए हैं। पहले में पत्र का अर्थ है पत्ता, और दूसरे में पत्र का अर्थ है चिट्ठी या खत। इस प्रकार आप बाकी शब्दों से भी वाक्य बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ 11 मुहावरे का दोहरान करेंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 53 पर आएंगे, वहाँ आपको मिलेंगे पाठ 11 मुहावरे। बच्चों, मुहावरे का अर्थ ये होता है कि अपनी बात को सामान्य ढंग से ना कह कर के एक विशेष ढंग से कहना। एक वो तरीका होता है कि हम किसी भी बात को सामान्य ढंग से कह दें, या एक तरीका वो होता है जहाँ हम शब्दों को विशेष तरीके से लिखकर बात को विशेष तरीके से कह दें, उन्हें हम कहते हैं मुहावरे। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे सामान्य अर्थ ना निकल करके विशेष अर्थ निकले, वो मुहावरे कहलाते हैं। हम मुहावरे टर्म वन में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। टर्म वन में हमने संख्या 1 से लेकर 9 तक पढ़े थे। अब हम टर्म टू में संख्या 10 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। तो आप वहां पर टर्म टू लिख सकते हैं 10 से 18 तक। तो यहाँ आपको 10 से 18 तक पढ़ना है। विशेष अर्थ अर्थात सामान्य अर्थ न निकल करके दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे आपको 10 नंबर पर दिया है दांतों तले उंगली दबाना। तो दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या हो सकता है? दांतों के बीच में उंगली दबाना, अगर हम उसका सामान्य अर्थ देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? हैरान रह जाना या फिर चकित होना। तो एक विशेष अर्थ निकल रहा है, हैरान रह जाना या चकित होना।
इसी प्रकार अगला मुहावरा आपको दिया है बच्चों 11 नंबर पर, 9 2 11 होना। अब 9 2 11 होना का क्या अर्थ हो गया कि 9 और 2 मिलकर क्या हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। ये एक सामान्य अर्थ अगर हम सोचे तो, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है, भाग जाना। तो 9 2 11 होना, भाग जाना। बारह नंबर पर है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना अर्थात पीठ पर हाथ से मारना, सामान्य अर्थ यही होगा, लेकिन विशेष अर्थ क्या है पीठ थपथपाने का, शाबाशी देना। ठीक है, अब 13 नंबर पर है फूला न समाना। अब फूला न समाने का अर्थ अगर हम सामान्य देखेंगे तो क्या हो सकता है, फूल जाना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका विशेष अर्थ क्या होता है, बहुत खुश होना। उसके बाद 14 नंबर पर है भीगी बिल्ली बनना। अब भीगी बिल्ली बनना का सामान्य अर्थ क्या निकल सकता है, बिल्ली का भीग जाना, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, डर से दुबक जाना, डर से दुबक जाना। उसके बाद 15 नंबर पर है मुंह में पानी आना। अब मुंह में पानी आने का अर्थ ये नहीं होता बच्चों कि मुंह में पानी भर जाना, इसका विशेष अर्थ क्या होता है, खाने का जी करना या जी ललचाना। उसके बाद 16 नंबर पर है लोहा लेना। अब लोहा लेना अर्थात हाथ में लोहा लेना तो नहीं हो सकता, सामान्य अर्थ तो यही निकलेगा, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है, मुकाबला करना या किसी से टक्कर लेना। सत्रह नंबर पर है हाथ फैलाना। अब सामान्य अर्थ क्या निकलेगा, हाथ फैला देना, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है, मांगना, किसी से मांगना। उसके बाद अंतिम है हमारा होश उड़ना, और होश उड़ना का अर्थ होता है बहुत डर जाना। तो बच्चों आज हमने पाठ 7, पाठ 10 और पाठ 11 का दोहरान किया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये तीनों पाठ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसी प्रकार घर पर इनका दोहरान करते रहिए। धन्यवाद।